अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तुफेल और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें बताने वाला हूँ कैसे करें ट्रांसफ़र फाइल या एक तरह से कैसे करें चार कंप्यूटर को या 10 या 20 जितने कंप्यूटर को एक कंप्यूटर में जॉइंट दोस्तों, उसकी फाइल एक दूसरे में ट्रांसफ़र करना या एक दूसरे में देखना कि दूसरे कंप्यूटर में क्या फाइल है या कुछ भी देख सकते हैं इस तरीके से दोस्तों। तो उसमें बता देना चाहता हूँ मैं सिंपल इंटरनेट का तरीका अपनाने वाला हूँ और वायर के थ्रू ही अपनाने वाला हूँ। इसके लिए आपको चाहिए लैन केबल। अगर आपके पास कंप्यूटर ज़्यादा हो तो ज़्यादा इतनी लैन केबल लगेंगी। अगर आपके पास दो कंप्यूटर जिसका एक दूसरे का ट्रांसफ़र करना है डाटा, तो आपको सिंपली दो लैन केबल लगेंगी कि दो कंप्यूटर आपके पास। और उसके लिए आपको होना चाहिए एक तरह का राउटर। अगर आपके घर नेट लगा पड़ा है, वाईफाई आपने ज्वाइन करवा रखा है, तो वो राउटर देते ही हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और आपके पास अगर वो नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं डी लिंक का स्विच दोस्तों। ये देखिए आप देख रहे हैं डी लिंक का स्विच, ये मेरा 5 पोर्टों वाला है। कितने पोर्टों पर ले सकते हैं, 4 पोर्ट या 5 पोर्ट या 6 पोर्ट 10 पोर्ट, जितने वाले भी अवेलेबल हो उतना आप ले सकते हैं दोस्तों। तो करें तो पहले आपको करना पड़ेगा कंप्यूटर पर कुछ सेटिंग, 2-3 सेटिंग करनी पड़ेंगी, वो बताऊँगा दोस्तों आगे चल के। बताना चाहता हूँ ये तो एक लगता है डाटा, इसको लगाना है आपको अपने कंप्यूटर के पीछे। लैन पोर्ट होता है उसमें लगा देना है, और एक जो पोर्ट बचता है वो लगा देना है आपको राउटर में अपने, वो दोस्तों राउटर में इस तरीके से फिट कर देना है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से फिट कर देना है, जैसे कि हर पीसी में लगा हुआ सारा इसमें ज्वाइन कर देना है एक तरीके से। और नेट वाला हो तो नेट वाले में भी ऑप्शन होता है, उसमें लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये करने के बाद चलिए आप आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर वाली स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं क्या कैसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर वाली स्क्रीन पर, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आ गए दोस्तों अपनी कंप्यूटर वाली स्क्रीन पर। अगर आपको दोस्तों गाइडलाइन चाहिए जिसकी मैंने बना रखा है PDF, अगर ये आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में दोस्तों, जाकर चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर और आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको करनी है अगर कोई फाइल ट्रांसफर, तो उसके पहले नाम जो भी रखना चाह रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ नाम जैसे कि शेयर दिस फोल्डर, शेयर दिस फोल्डर लिख लेता हूँ। इस पर राइट क्लिक कर लेंगे दोस्तों। राइट क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे इसके एडवांस शेयरिंग के ऑप्शन में। इसमें एडवांस शेयरिंग में चले जाएंगे, इस पर शेयर फोल्डर कर देंगे एंड परमिशन में चले जाएंगे दोस्तों। परमिशन में जितनी चीज़ें हैं वो अलाउ कर देंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे दोस्तों। फिर इस पर अप्लाई कर देंगे दोस्तों, फिर कर देंगे ओके दोस्तों। ये नहीं करना दोस्तों, आपको खुद ओके कर देना है, देखो देना है। फिर जाना है दोस्तों आपको जो कार्ड देना है, ये हो गया दोस्तों। आप हम दूसरी सेटिंग पर जाएंगे तो इस चीज़ हमें करने के लिए, ठीक है दोस्तों। फिर हम उसी फोल्डर पर वापस जाएंगे दोस्तों। ये देखिए आप गाइडलाइन दिख जाएगी, अगर आपको PDF या वर्ड वगैरह चाहिए तो उसमें मिल जाएगा। फिर उसी फोल्डर पर जाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे तो फिर हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब जाएंगे दोस्तों हम सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में दोस्तों जो ऑप्शन देखेगा हमें एडिट वाला, एडिट पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन होगा उसे हम अलाउ कर देंगे और एड पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। एड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा एडवांस का ऑप्शन, एडवांस पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों फाइंड नाउ, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके नीचे आ जाएगा एवरीवन, एवरीवन को सेलेक्ट करके हम कर देंगे ओके दोस्तों। ये देखो ये सिलेक्ट हो गया, फिर इसे हम ओके कर देंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर जो अलाउ करना है अलाउ कर देंगे दोस्तों, फिर अप्लाई कर देंगे दोस्तों। इसे क्या जाएगा एवरीवन के लिए चालू हो जाएगा। फिर करने के बाद दोस्तों एवरीवन इसके आ चुका है, सब कुछ लो चुका है, तो उसको हम ओके कर देंगे दोस्तों। ये हमारा काम यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब हम दूसरी सेटिंग में चले जाएंगे दोस्तों। ये हमें जाना पड़ेगा अपने इंजन के दी सेटिंग हमें दिख रही है दोस्तों, वो सर्च ऑप्शन एंड सर्च नेटवर्क शेयरिंग ऑप्शन पर दोस्तों। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमारे जो अगर विंडो की होती है उसको दबाना पड़ेगा, या आप बाउंस से डायरेक्ट जा सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद जाने के बाद आपको करना होगा नेट NET लिखेंगे, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, ये देखिए दोस्तों देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें चले जाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों एडवांस शेयरिंग चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, इसमें चले जाने के बाद दोस्तों आपको इतनी चीज़ें होगी, जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें ऑन कर देना है। इसमें एक ऑप्शन आएगा वाईफाई वाला, अगर आपको वाईफाई भी नहीं दोस्तों पासवर्ड वाला, और आपको पासवर्ड लगाना है, मतलब जो आपको फोल्डर खोल के पासवर्ड आए और पासवर्ड डाले तभी आपको फोल्डर देख पाए, और इसके अलावा नहीं देख पाए दोस्तों, तो आपको करना पड़ेगा ये पासवर्ड लगा दें। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए दोस्तों, वरना हर चीज़ें ऑन कर दीजिए दोस्तों। जैसे मैंने ऑफ़ कर रखा है तो आप भी ऑफ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर सेफ सेटिंग में जाकर इसको सेव कर सकते हैं दोस्तों और बैक हो जाए दोस्तों। और भी सबसे बड़ा मेन बात होती है कि दोस्तों अगर आपको PC का नाम नहीं पता दोस्तों, तो अब ये कर सकते हैं, आपने इस डिस्क्रिप्शन दिख रहा है विंडो आर करने के बाद, ये करके
पीसी का जो नेम आपने डाल रखा है इसे करके कर दीजिए, आपका काम ये सक्सेसफुल यहाँ तक हो गया है। ऐसे ही आपको दूसरी पीसी में जैसे ही करना है, मतलब कि जैसे कि जान लीजिए अगर आप शेयरिंग आपने कर दिया तो उसको शो कर जाएगा, आपको देख सकता है। अगर उसकी चीज़ देखनी तो आपको भी करना पड़ेगा इस तरीके से। आपको पीसी का नाम जाना है तो पीसी का मैंने पीसी 1 लिख रखा है नाम आपको। अब यहाँ पर जैसे कि दिखा रखा राइट क्लिक करके चेंज ऑप्शन जाके अपना नाम जो भी करना उसे कर सकते हैं। जो आप नाम शो करेंगे उसी में शो करेगा जाकर, तो क्लिक करेगा और आपका नाम दिख जाएगा दोस्तों। लिमिटेड नेटवर्क शेयरिंग का ऑप्शन है, मैंने 3 पीसी कनेक्ट कर रखे हैं, पीसी 1 पीसी 2 पीसी 3। इस तरीके से मैंने किसी के ड्राइव भी कनेक्ट कर दिया, ड्राइव पे जाकर भी राइट क्लिक करके शेयरिंग ऑप्शन जाके सब कर सकते हैं दोस्तों। जिसकी फोल्डर जिस तरीके से फोल्डर पे किया जाता है उसी तरीके से ड्राइव पर भी किया जाता है। ड्राइव करना है आप ड्राइव भी कर सकते हैं, जितने भी अगर आपने ड्राइव कर दिया उसमें कितना डाटा होगा और सब आप चेक कर सकते हो, चला सकते हैं, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, सब कुछ चला सकते हैं। फाइल पे कर दिया, फाइल के अंदर जो भी डालेंगे वो बंदा देख सकता है, मूवी से लेके सब कुछ देख सकता है, कोई फाइल डाल दें आप देख सकते हैं वो बंदा। हेलो आपने अभी कर रखा है और आप ही उसको देखें तो वो बंदा उधर से करेगा तब आपको दिखेगा। दूसरे दोनों में करना ज़रूरी होता है। फिर जैसे कि आपने जो लेन आपने लगा रखा है लेन केबल अपने कंप्यूटर से लेके राउटर के अंदर, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, उसे एक दूसरे में कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट जवाब तुरंत देता हूँ, एक दिन के अंदर आपको कमेंट का जवाब भी दे दूँगा दोस्तों। और आपका ये वीडियो अच्छा लगता है एक बार करके देखिए, अगर नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि मेरे नहीं हो रहा कि क्या प्रॉब्लम, फिर बताऊँगा। और आपको अच्छा लगता है दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है, और बहुत ही काम आने वाला है वो आपने वॉच हिस्ट्री में जा सकते हैं, बाद में देखने बाद में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और वालेकुम अस्सलाम।